जेल, जिसे हम अक्सर नर्क से तुलना करते हैं, अगर वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो तो, यह सुनकर आपको अटपटा लग रहा होगा ना कि जेल भला किसी के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। महाराष्ट्र के कई जेलों में इन दिनों कैदी पढ़ाई करने में लगे हैं। देवानंद और विजय नाम के दो कैदियों को हत्या के मामले में सजा हुई थी। 2020 में उन दोनों ने ही बीए की परीक्षा पास कर ली है, इसलिए उनको 90 दिन की छूट दे दी गई है। अब जेलों में बहुत सारे कैदी जल्दी रिहाई के लिए इस छूट से प्रभावित होकर अब जेलों में बहुत सारे कैदी डिग्रियां हासिल करने में लगे हैं। एक दशक से भी लंबे वक्त से बंद कैदी अब जेल में पोस्ट ग्रेजुएशन तक करने लगे हैं। इन दोनों कैदियों ने इस साल एमए की भी परीक्षा पास कर ली है और ऐसे में उन्हें कुल 6 महीने की छूट मिल गई है। महाराष्ट्र के जेलों में ऐसे 145 कैदी हैं जिन्होंने बीते 3 साल में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की परीक्षाएं पास की है। महाराष्ट्र के 10 जेलों में कैदियों के लिए एजुकेशन सेंटर चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कैद के दौरान पढ़ाई से कैदियों को एक उद्देश्य मिल जाता है। उन्होंने कहा, कई लोगों को कम ही उम्र में जेल हो जाती है, ऐसे में उनकी पढ़ाई भी छूट जाती है। जेल में भी अगर वे चाहें तो पढ़ाई जारी रख सकते हैं, वही पढ़ाई करने के बाद रिहाई पर उन्हें नौकरी भी मिल सकती है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक भारत।